लेकिन मैं यहाँ इस गद्दी पे खड़े होकर के बहुत स्ट्रॉन्गली कह सकता हूं कि बाहुली का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी ने और ने सुना है तो मैंने भी अपने जीवन काल में 200-500 प्रवचन तो बाहू जी के सुने ही हैं, कभी साक्षात भी सुने तब तक समझ में नहीं आते थे, लेकिन बाद में जरूरत के लिए बहुत सुने, जरूरत के लिए माने मुझे कभी छठ भी गाता समझाने की जरूरत पड़ी, मुझे कभी 80 भी गाता समझाने की जरूरत पड़ी, मुझे कभी स्वयंभू का स्वरूप समझाने की जरूरत पड़ी, मुझे कभी सम्यक दर्शन के स्वरूप को समझाने की जरूरत पड़ी, तो मैंने बाबा जी को सुना तो भाई वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत सारे मैंने उनके शंका समाधान कभी प्रसंग प्राप्त हुए, कभी चेतन जो हमारा विद्यार्थी उसकी कृपा से उसने छोटे छोटे कोटेशन को डेली भेजता था उनके माध्यम से नियमित सुने, तो इन चर्चाओं में तो मुझे एक दिन 500 घंटों में एक मिनट में कभी एक क्लिप ऐसी नहीं आई कि भाई अकेले इनकी सुनो उनकी नहीं सुनो। हाँ, चार पांच बार ये बात जरूर सुनने में आई है, गृहित मिथ्या के संबंध में बाबू जी बहुत दृढ़ थे और जब वो इसका खुलासा करते थे तो बड़ी दृढ़ता से बोलते थे कि जो व्यक्ति को सुनता है और वाणी को नहीं सुनता है वो मिथ्या। आप लोगों ने भी सुना होगा ये सेंटेंस, अगर सुना हो सेम सेंटेंस, जो व्यक्ति को सुनता है वाणी को नहीं सुनता है वो तब तो रसिक नहीं है, वो तो व्यक्ति को सुन रहा है, वाणी कहां सुन रहा है। देव सार गुरु की श्रद्धा में अगर देव की श्रद्धा है तो उसमें शास्त्रीय श्रद्धा इंक्लूडेड है, और शास्त्र की श्रद्धा का अर्थ शास्त्र माने केवल छपा हुआ नहीं, शास्त्र माने उपदेश। आप संस्कृत की व्याख्या देखेंगे उस धातु रूप से व्याख्या करेंगे तो वो उपदेश कहलाता है, तो वो उपदेश जो परंपरा से तीर्थंकर परमात्मा से आया है वो उपदेश। और उन्होंने एक बात बहुत स्ट्रॉन्गली जो मैंने बीच में सुनी, प्रसंग आता है तो सुन लेता हूं, नोट ऐसे करने की कोई विशेष को जरूरत नहीं, कि इस काल में सर्वज्ञ सिवाय और कोई प्रामाणिक नहीं है, तो बाकी लोग प्रामाणिक हैं क्योंकि वे सर्वज्ञ अनुसारी हैं अंकुर जी, इसलिए वो प्रामाणिक हैं, व्यक्ति कोई भी इस काल में प्रामाणिक नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान वाला व्यक्ति कभी भी स्ट्रॉन्गली ये बात नहीं कह सकता है कि जो मैंने जाना है वो सर्वथा सत्य है। क्यों? हां, इसलिए तो हमको नए विवक्षा दी प्रमाण और नए अधिगमा तत्वार सूत्र में जो सूत्र आया है ये क्यों दिया? क्योंकि हम किसी वस्तु को प्रमाण से जाने, सापेक्ष कथन करें, उसकी सारी विवक्षाओं को अपने ज्ञान की शक्ति के अनुसार जाने, तदनुरूप उसका रूपण करें, लेकिन आप कभी ये नहीं कह सकते हो कि जो मैंने जाना वो सर्वथा यही सत्य है। हाँ, सर्वज्ञ ने कहा है और सर्वज्ञ की वाणी में आया है इसलिए ये सर्वथा सत्य है, तो उस वाणी से अपने अनुभव को मैच करना। टोडमल जी ने जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा ना भैया कि भाई जो शास्त्रों में लिखा है उसे अपनी अनुभूति से मिलाना, जो अपनी अनुभूति में आया है उसे शास्त्र में मिलाना, दोनों में अंतर आए तो शास्त्र नहीं बदलना, अपनी अनुभूति से फिर प्रमाण करना उसे और फिर अनुभव करना, फिर प्रयास करना, होता कि नहीं होता? रमेश जी, बचपन में आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो गणित पढ़ते थे तो उस गणित में पीछे उत्तर माला छपी होती थी, हर मैथमेटिक्स की बुक्स में पीछे आंसर शीट लगी रहती थी कि इस सवाल का ये आंसर है, आगे एक सवाल हल करके दे दिया जाता था आपको, बाकी सबके उत्तर पीछे लिखे रहते थे। लेकिन राजेश जी, अकेले उत्तर मिलने से काम थोड़ी होता है, आत्मा अनंत गुणों का धनी है, सर्वज्ञ भगवान ने ये बात कह दी, और मैं कह रहा हूं मैं प्रवचन में बैठ के आत्मा अनंत गुणों का धनी है, लेकिन ये सच है, ये तब तक सच नहीं है जब तक अनुभूत नहीं है। जिसे अनुभूत है वो सच है। तो फिर प्रश्न उठा कि ज्ञानियों की ही वाणी सुनने योग्य है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज्ञानियों की ही वाणी सुनने योग्य है,
लेकिन भैया जीवन भर आप शास्त्र स्वाध्यायी हो, जरा चिंतन तो करो ये बात किस अपेक्षा में कही गई है कि ज्ञानियों की ही वाणी सुनने योग्य है। वेद प्रकाश की सम्यक दर्शन जो होता है वो ज्ञानी की वाणी के निमित्त से होता है, ये शास्त्र का कथन है। देशना लब्धि किसे कहा जाता है? जो सम्यक दृष्टि का उपदेश है उस ज्ञानी जीव के उपदेश को ही देशना लब्धि में इंक्लूड किया है। अब अगर कोई व्यक्ति ने पूर्व में किसी ज्ञानी की देशना सुनी है और वर्तमान में कोई मिथ्या दृष्टि उस तत्व का प्रोपण कर रहा है तो क्या उस तत्व को सुनकर के उसे सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो फिर देशना लब्धि कौन सी मानी जाएगी? वो ज्ञानी। तो जब ये कहा जाता है कि ज्ञानी की ही बात सुनने योग्य है, ज्ञानी ही की बात अनुसरण करने योग्य है, तो उस सुनने में और अनुसरण करने में एक ज्ञानी की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अनंत ज्ञानियों की परंपरा है। और गजब बात ये है कि जिनवाणी ये कहती है कि एक अज्ञानी के हजार मत हो सकते हैं लेकिन हजार ज्ञानियों का तो एक ही मत होता है। हजार ज्ञानियों के तो एक ही मत होंगे। आप कभी कल्पना करके देखो, आदिनाथ से लेकर महावीर ने किसी ने 6 के 7 द्रव्य बताए क्या? किसी को कोई करेक्शन महसूस हुआ कि 7 तत्व तो नहीं हो सकते? किसी को लगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा रिलीज किया जाए, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार से 28 की जगह 18 भी चल सकते हैं? नहीं, किसी भी ज्ञानी ने ये दम नहीं भरा आज तक कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इसके धर्म का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। और जिस ज्ञानी ने ऐसा दम भरा वो अज्ञानी है, मिथ्या। मेरे पास अभी सुबह सुबह संभव का फोन आया, जब कोटेशन आया तो बोले भाई साहब बाबूजी ने ऐसी बात कही होगी क्या? तो मैंने तुरंत कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कहीं से आगा प्रमाण ढूंढूंगा, नहीं, मैंने बाबूजी पर विश्वास करते हुए अपने विश्वास से बात कह दी कि उन्होंने कभी नहीं कही कि अकेली गुरुदेव की बात ही प्रमाण है। हाँ, उन्होंने ये बात अगर कही है विश्वास होगा कि जो गुरुदेव कह रहे हैं वो बात प्रमाणिक है, तो गुरुदेव कह रहे हैं इसलिए प्रमाणिक है, इसलिए नहीं कही, तो फिर उनका अभिप्राय क्या है? यह खुलासा करने की जरूरत है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रासुक जी, बाबूजी ने यह बात बिल्कुल कही होगी। अब मैं पलट गया अपनी बात से, बिल्कुल कही होगी। लेकिन क्या आपने बाबूजी से उस समय पूछा कि आपने ये बात क्यों कही? तुमने तो एक लाइन उठाई और उठा करके कह दी। मुजफ्फरनगर 1999 में मैं था तो एक आदमी मनोजी मुजफ्फरनगर के घर पर, तो मैं उस समय धामपुर नाम की एक जगह है पास में, धामपुर शुगर मिल, तो वहां मैं गया तो किसी ने मेरे को एक शास्त्र दिखाया के साथ धवला में लिखा है कि पूजन में अग्नि का प्रयोग होना चाहिए, इसमें लिखा है अग्नि में धूप फेंकना चाहिए। तो मैंने किया, ये तो धवला की बात बता, और अपने तो हिम्मत ही नहीं होती धवला के नाम से कोई बात कह दे तो अपन काट सकते हैं क्या? नहीं, घर आ गए हम चुपचाप। उसने पेज नंबर वगैरह बताए थे तो आ गए, हमने डिस्कशन किया उनसे मनोज जी से, तो उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? धर्मेंद्र जी धवला यहीं रखाई है, देख लेते हैं। हम देखा तो पता चला कि वहां शिष्य ने प्रश्न पूछा था। तो भाई प्रश्न भी शास्त्र में लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, तो वो शास्त्र की बात है कि नहीं है? प्रश्न है, लेकिन क्या प्रश्न सर्वथा सत्य है? अरे नीचे उत्तर तो पढ़ भाई, उसमें लिखा है कि जैन धर्म की पद्धति अहिंसा मूलक होने से सारे के सारी क्रियाएं जो हैं जैन दर्शन की केवल एक ही सिद्धांत पर चलती हैं, महाव्रत, अणुव्रत, अष्टमूल गुण, सात वचन का त्याग, श्रावक की 53 क्रियाएं, सब की सब केवल जेके जैन साहब एक सिद्धांत पर चलती हैं और उसका नाम है अहिंसा। कुछ है ही नहीं वो स्पष्ट लिखा। अब बाबूजी से किसी ने पूछा था जब, तो बाबूजी ने क्यों कही ये बात? मैं बहुत कुछ सोच के आया था कि आज ये बोलूंगा, लेकिन इस प्रकरण में मेरे को केवल यही कह दिया कि आज यही बोलेंगे।
क्यों द्रव्य जी? उन्होंने ये कहा क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर विश्वास था। क्या था? अपने गुरु पर विश्वास था कि मेरा गुरु जो बोल रहा है ना, वो कभी भी आगम का उल्लंघन करके और सर्वज्ञ की आज्ञा का अनादर करके नहीं बोल सकता। यदि इस आगम का उल्लंघन करके बोलते होते, सर्वज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए बोलते होते, तो 45 साल के उनके जीवन काल में इतने जो लाखों की संख्या में उनके अनुयायी बने, लाखों की संख्या में लोगों ने उनको सुना, हजारों की संख्या में अत्यंत बुद्धिवादी इंटेलेक्चुअल्स पर्सन जितने थे, वो गुरुदेव के अनुयायी हुए, वो मूर्ख नहीं थे। जिनवाणी अध्ययन करके आए थे, कैलाश जी, सदान शास्त्री, पूनचंद जी, जनक मोहन जी, लाल जी, ये सब लोग, ये सब गहरे स्वाध्यायी थे जो उस समय की विद्वत परंपरा में बिल्कुल ऊपर की श्रेणी में बैठते थे। जब उन्होंने गुरुदेव को सुना और उन्हें ये लगा कि ये तो कहीं भी कोई एक बात तत्व विरुद्ध नहीं है इसमें, गुरुदेव को जिनवाणी की आज्ञा उल्लंघन करने का बहुत भय था। आज लाखों पेज गुरुदेव के लिखे हुए प्रवचन के और 9000 घंटों के प्रवचन, आप उसमें से एक सेंटेंस आगम क्रोध निकाल के बताओ। हाँ, हटाग्रही दुराग्रही की बात मैं नहीं करता, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। लोग तो ये भी पूछते हैं कौन किसी, जो अपन ने 10 लक्षण डिस्कस किया कि भाई शास्त्रों में क्रमबद्ध पर्याय सत्य कहाँ लिखा है, ये क्या करें, चश्मे का नंबर बदलने की जरूरत है और कुछ? तो बाबू जी ने ये जो बात कही वो इसलिए कही क्योंकि उन्हें पता था कि गुरुदेव वर्षों से जो बोल रहे हैं ना, वो आगम प्रमाण और सबसे बड़ी चीज आगम के साथ साथ में उनकी अनुभूति प्रमाण थी। तो जिस जीव ने शास्त्र के को पढ़ के, शास्त्र में पढ़ा हुआ अपनी अनुभूति में प्रमाण कर दिया है, उसे कहीं भी और कदापि शंका करनी नहीं। शास्त्रों में आज्ञा है, कभी किसी को गुरु बनाने से पहले आप 6 महीने तक उसकी परीक्षा करो। 6 महीने मतलब अकेला 6 महीने का टाइम पीरियड नहीं, वो कहते सालों आप उसकी परीक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब नियम जो है वो गुरु बनाने से पहले का है। लेकिन आपने एक बार उसे गुरु निर्धारण कर लिया तो जिनवाणी कहती है फिर गुरु आज्ञा प्रमाण है। तो अगर बाबूजी ने ये बात बोली कि मेरे को जो कहते हैं वो सही है तो क्यों? क्योंकि इस पर मैं गुरुदेव पर नहीं, इस पर मुझे बाबूजी की बुद्धि पर विश्वास था कि जब उन्होंने गांधी स्वामी को अपना गुरु स्वीकार किया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने यहां कहा होगा चलो 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 आप वहां चलो, आपको बहुत नाम मिलेगा, आप बहुत बुद्धिमान हो और उधर बड़े बड़े विद्वानों की कमी है, आप इतने इंटेलिजेंट हो, अभी अपना नंबर लग जाए तो आप 8-10 विद्वानों की टॉप लेवल की श्रेणी में आ जाओगे, जो जितनी जल्दी पार्टी ज्वाइन करेगा उतनी जल्दी उसको टिकट मिलेगा, ऐसा तो ऐसा कुछ था चक्कर? आप लोग तो कुछ साथ के लोग होंगे, देखा होगा सुना होगा, इसलिए चले गए थे उधर कि परीक्षा करने गए थे, पहले जांचा परखा सुना अपनी बुद्धि से मिलाया, क्योंकि बाबूजी ऐसे तो थे नहीं कि जिन्हें जिम्मेदारी विरासत में मिल गया हो हमारे तुम्हारे जैसे, और जैन धर्म भी वो जबरदस्ती किसी के भेजने से उनका नहीं पड़ा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ये जिनवाणी का जो अध्ययन मनन चिंतन करना उन्होंने सीखा, किसी के फोर्स से नहीं सीखा। मैं तो कह सकता हूं कि मेरे को तो जबरदस्ती जयपुर पढ़ने भेज दिया गया था, बिगड़ रहा था घर में, क्यों कह सकते हैं ना, क्यों नहीं कह सकते? वो मेरी फोर्स था, ये मेरी चॉइस नहीं थी, मैं द्वारा बोलता हूं अब चॉइस है, लेकिन दैट पर्टिकुलर टाइम पे चेतन जी मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं जयपुर जाऊं और मैं धार शास्त्री का अध्ययन करूं, मैंने चुना नहीं है इसे। इस सत्य को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब चुना और जब महसूस किया कि करना यही है, यही करने लायक है, जुड़ गए फिर इसमें दम से। उन्होंने चुना था बाबूजी ने, इसे मुझे अध्ययन करना है, मुझे चिंतन करना है, उस किसी विद्यालय में पढ़ के और शास्त्रीय और न्यायाधीश की परीक्षा
परीक्षा लेके नहीं आए। जो उन्होंने किया वो अपनी बुद्धि से किया, अपने लिए किया, खुद के इंटरेस्ट से किया। और खुद के इंटरेस्ट से करने वाला जीव ज्यादा खोजी होता है, ज्यादा परीक्षक होता है, ज्यादा बड़ा चिंतक होता है। और उन्होंने खूब चिंतन किया, खूब खोज की और उसका रिजल्ट उन्होंने निकाल के दिया। आप जब उनके प्रवचनों को सुनेंगे, अपना दुर्भाग्य कहें, बाबा जी का नेचर कहें, तो उन्हें कभी छपास रोग नहीं रहा, तो उन्होंने कुछ लिख करके वो छपवाने की कोशिश नहीं की। वरना जो उनके चिंतन में था, जो उनके जीवन में था, अगर वो लिखते और बताते तो शायद जिनवाणी के बहुत सारे ऐसे मूल वस्तु तत्व के प्रतिपादन की स्टाइल या तरीके जो थे उन पर हमको बहुत ऑथेंटिक लिटरेचर उपलब्ध हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसकी जरूरत कभी नहीं समझी। वो कहते थे जो रुचि वाला होगा वो यहाँ आके समय जैसे अपने जीवन के बदलाव की उम्मीद होगी, वो एक पंक्ति सुनकर के भी उसका जीवन सरक जाएगा, वरना 7 साल सुनकर के भी उसका जीवन नहीं सरकेगा। ये वक्तव्य होगा। पहला प्रवचन जो मैंने भगवती का सुना था उस प्रवचन में वक्तव्य था उपदेश जी के, समय सार को सुन करके हमारा जीवन सरकता क्यों नहीं है, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि इसी से मेरा काम आने वाला है। तो हम लिख लिख के छाप छाप के लोगों को छोड़ दें, उससे फर्क क्या पड़ गया। छूट भाई खरीद खरीद के घर ले जाएंगे, अलमारियों की शोभा बनाएंगे, वो भी एक शो ऑफ करने का तरीका हो जाएगा। देखो 2 शास्त्र की अलमारियाँ बनी, सब हमारे यहाँ 3 है 4 है, एक कमरे पूरा शास्त्र का बना रखा है। कोई क्रॉकरी सजाता है, तुम शास्त्र सजाते हो। अंतर क्या है, यूज क्या है? तो अगर उन्होंने ये बात कही कि मेरे को प्रमाण है भाई साहब, तो उन्होंने उन्होंने अपने गुरु की परीक्षा करी थी, और उनकी परीक्षा करने के बाद फिर उन्होंने लिखा। गजब ये है कि जब वो बाबूजी युगल जी का परिचय लिखने बैठते हैं तो गुरुदेव का परिचय कम और गुरुदेव द्वारा बताए गए तत्व का परिचय ज्यादा देते हैं। मतलब उन्होंने गांधी स्वामी देखे ही नहीं, उन्होंने तो तत्व देखा। उन्होंने उनकी वो जो आकृति थी उस आकृति पर दृष्टि डाली नहीं। कपड़े सफेद हैं कि लाल रंग के पहन रखे हैं, बादाम खाते हैं कि मूंगफली खाते हैं, चलते समय फूलों पे पैर रखते हैं नहीं रखते हैं, प्रवचन कितनी देर करते हैं कितनी देर नहीं करते हैं, वो तो ये देख रहे कि क्या है वो सम्यक दर्शन, वो ध्रुव, वो तत्व जो मैं ध्रुव हूँ, यही सम्यक दर्शन का स्वर है जो ऊपर लिखा हुआ है। वो जो उन्होंने गुरुदेव के माध्यम से सुना, इस धुरी पर बाबूजी की पूरी जिंदगी उपरोती है। ध्रुवत्व का अवलंबन लेना सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए भले ही हमारे पास ऑडियो प्रवचन जितने भी उपलब्ध हैं, बाबूजी के प्रवचनों में वो चटनी चूरण और लफ्फेबाजी आपको नहीं मिलेगी जिसकी अपेक्षा आजकल हम प्रवचनों में करने लगे हैं। कोई पंक्ति पंक्ति से बंद करके अगर पूरा प्रवचन सुनाना शुरू करे तो हमको बड़ा बोरिंग लगता है, इंटरेस्टिंग मजा ही नहीं आया प्रवचन में उठ के कोई नहीं बोलता। गहरा हो जाए तो वक्ता को ऐसा लगने लगता है कि आज श्रोताओं के सिर नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ कह दिया, गलत कह दिया। अरे आज ही तो तूने ढंग की बात करी है, रोज तो तू ढंग की बात कर ही नहीं रहा था, मेरी बात कर ही नहीं रहा था, तो रोज आज लफ्फेबाजी की बात करी तूने, तो लोग खुश हो गए तो तुझे क्या लगता है प्रवचन अच्छा है कि नहीं? सर्वज्ञ भगवान ने किससे सर्टिफिकेट लिया? अगर सर्वज्ञ भगवान सर्टिफिकेट लेके देते तो मारी ची तो उनके प्रवचनों को गलत का सर्टिफिकेट देके बाहर निकला था। फिर हम किसकी बात करें? इसलिए कभी इसके लिए लोगों की अपेक्षा से धर्म, लोगों की अपेक्षा से प्रवचन, समाज की अपेक्षा से धर्म, समाज की अपेक्षा से प्रवचन, ये बाबूजी के जीवन में कभी नहीं रहा। जो अंदर था वो बाहर था,
जो रहते थे तो वैसे ही रहते थे, जो खाते थे तो वैसे ही खाते पीते थे, तुम आ जाओ तो तुम्हारे सामने भी वही बैठेंगे, नहीं रहो तो भी वही बैठते थे, तुम आओ तो भी वही भोजन करेंगे, नहीं आओगे तो भी वही भोजन करेंगे। जो लाइफ स्टाइल थी भीड़ को देख करके कभी बदली हो तो मुझे बता दो आप। जो उनके स्टेटमेंट का एक दृढ़ता होती थी, आप बड़ा सा बड़ा आदमी आ जाओ उनके सामने, स्टेटमेंट नहीं बदलेगा कभी भी उसकी, कभी नहीं बदलेगा। आप कैसे बड़े विद्वान हो, कैसे बड़े सेठ हो, उनको कोई मतलब नहीं है। अभी बहुत समय पहले जब बाबूजी के उसमें एक संगोष्ठी जो तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट में के पदाधिकारी जब यहाँ कुछ लोग यहाँ आए थे, तो उस दिन उन्होंने गीता भवन में यही बात बोली थी स्पष्ट शब्दों में कि तीर्थ सुरक्षा ट्रस्ट में रहते हुए बाबूजी ने कभी ये परवाह नहीं करी कि बम्बई का कौन सेठ है, कितने पैसे वाला, कौन डोनेशन दे रहा है, क्या कर रहा है। वो निर्णय देने में इतने सटीक होते थे, वो इतने दृढ़ होते थे कि जो उन्होंने अनुभव किया और जो सत्य है वो अगर उन्होंने कह दिया, अब बाकी पूरी कमेटी उससे मन सहमत है कि नहीं है, उससे उनको कोई मतलब नहीं, अगर सही ये है तो सही ये है, अब बाकी डिसीजन तुम्हें लेना है, 20 लोग तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन मैं इस बिंदु पर सहमत हूँ तो हूँ, इस पर असहमत हूँ तो असहमत हूँ, और यही चिन्हवाणी में रहा हूँ। तो व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ता का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो वर्तमान काल में धर्मों रवैये वाले किसी भी विद्वान के जीवन में नहीं दिखता है, ये स्पष्ट है। आप समझ लीजिए कि अगर बाबूजी ने ये बात कही कि गुरुदेव की वाणी प्रमाणिक है, तो समझ लेना अनंत सर्वज्ञों की वाणी प्रमाणिक है, क्योंकि गुरुदेव ने सर्व के अनुसार ही बोला है, आगम प्रमाण के अनुसार ही बोला है, और चूंकि उन्होंने बाबूजी ने गुरु की परीक्षा करके उन्हें गुरु स्वीकार किया था, इसलिए वो इतनी दृढ़ता से बोलते थे कि मेरे गुरु प्रमाणिक हैं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, मैंने चुना है उनको। ये स्वीकारोक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो सिद्धांत तो बहुत है, चर्चाएं अपना समय समय पर करते रहेंगे, करते रहते हैं, लेकिन जो एक समझ लो सामने नहीं आया हुआ पहलू था वो आज मुझे चर्चा करनी थी, इसलिए क्योंकि इस बारे में वर्तमान में बहुत भ्रम है, और ये मेरा स्टेटमेंट मैंने बाबूजी के स्टेटमेंट के आधार से दिया है, इसमें कही गई सारी बातों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, ये बात मैं कहकर के ही अपना वक्तव्य को पूरा करूँगा, क्योंकि कई बार क्या होता है रिकॉर्डिंग होती है स्प्रेड आउट हो जाती हैं बातें तो कहीं कहीं चली जाती हैं, तो लोग कहेंगे कि बाबूजी के बारे में इन्होंने ऐसा कहा, ये कौन होते हैं उनके बारे में सर्टिफिकेट देने वाले, तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैंने उनको सुना, मैंने उनको चुना, मैंने उनको जितना जाना, तो मैंने अपनी बुद्धि से उनके बारे में जान करके उतना स्टेटमेंट उनके बारे में दिया है। अब वो ऐसे थे कि नहीं थे ये वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे तो ऐसे ही थे और उनके कथन की अपेक्षा यही थी। यह बात कह करके मैं अपनी बात विराम लेता हूँ। अब यहाँ